और दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने आज दो नोटिस जारी की हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पहली नोटिस है, यहाँ पर डेट भी पड़ी हुई है 9 नवंबर की, ये देखिए। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस महिला पुरुष और प्लाटून कमांडर पीएसी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक कुल 54 पालियों में 54 विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ में पूर्ण कराने की प्रक्रिया जारी है। चूँकि इन परीक्षाओं में एक से अधिक प्रश्न पत्र होने के कारण प्रश्न पत्रों में डिफ़िकल्टी लेवल की असमानता को नगण्य करने के लिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रसामान्यीकरण पूर्व में भी किया गया है और उक्त भर्ती के संबंध में बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 25 फरवरी 2021 में प्रसामान्यीकरण के संबंध में स्पष्ट और विस्तृत उल्लेख किया गया है। पुनः सूचित किया जाता है कि उक्त ऑनलाइन लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण हेतु इक्वी परसेंटाइल मेथड अपनाया जाएगा। तो चूंकि अलग अलग पेपर बनेंगे और उसी को बराबर करने के लिए ये विधि अपनाई जाएगी। चूंकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के काफ़ी विवाद हो गया था 2016 की भर्ती में, मामला कोर्ट में चला गया था, बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए थे और उसी वजह से बताया जाता कि भर्ती के विज्ञापन में भी देरी हुई थी, इसलिए ये बदलाव किया गया है और पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि इस भर्ती में जो भी परीक्षाएं होंगी, जो भी प्रश्न पत्र बनेंगे उसमें ये मेथड अपनाया जाएगा, इक्वी परसेंटाइल मेथड। अगली सूचना एक और नोटिस की है, ये जो नोटिस जारी हुई थी जो 1 नवंबर को, इसमें परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई थी कि जो आपकी परीक्षाएं हैं वो 3 पालियों में होंगी, 9 से 11, 12:30 से 2:30 बजे तक और फिर 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक। और यहाँ पर लिखा हुआ था कि कुल 3 चरणों में ये परीक्षा होनी है। फेज़ 1 की जो परीक्षा वो 12 से 17 सितंबर को, फेज़ 2 की जो परीक्षा स्टार्ट होनी है 19 से 24 नवंबर को और फेज़ 3 की जो परीक्षा वो 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में होनी है। तो इस फेज़ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और नीचे वाले फेज में 27, जिसके लिए विद्यार्थी मांग कर रहे थे बदलाव की, चूँकि 27 से 2 के बीच में TET की भी परीक्षा 28 तारीख को और एक और परीक्षा होनी है असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की। तो विद्यार्थियों की डिमांड थी कि ये जो परीक्षा की जो तारीखें हैं इसमें बदलाव होना चाहिए, तो इसमें बदलाव नहीं किया गया है। जबकि 19 तारीख से लेकर के जो 24 नवंबर तक जो परीक्षा होनी थी इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब ये परीक्षा, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की नोटिस है, ये नई नोटिस है जो आज जारी हुई है, जिसमें लिखा 19 की जगह 20 और 24 की जगह 25। बाकी जो भी फेज हैं उनकी परीक्षाएं उसी तारीखों में होंगी, केवल जो परीक्षा 19 से स्टार्ट हो रही थी वो 20 से होगी और जो 24 की समाप्त हो रही थी वो 25 से होगी। एक दिन की जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है और ये जो नोटिस है वो आज जारी की गई है। देखिए यहाँ पर लिखा है डेट, ये 9 नवंबर 2021, और जो पहले फेज की विद्यार्थी हैं उनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, आप लोग वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। आज UP SSSC ने भी दो नोटिस जारी किए हैं। एक नोटिस तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था और जिसमें ये बताया था कि जिसमें महिला कार्यकर्त्री का जो ये विज्ञापन है वो जल्द आएगा, परीक्षा किस तरीके की होगी उसके बारे में ये जानकारी दी गई थी। यहाँ पर ये बताया गया था कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, लगभग 9000 पदों का जो विज्ञापन आने वाला है उसमें केवल महिलाएं ही आवेदन करेंगी और 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक, ये सब जानकारियाँ दी गई थी, निगेटिव मार्किंग इत्यादि की, और उसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द आएगा, इतनी जानकारी दी गई थी। PET के कट ऑफ के बारे में विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा यह था कि PET के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी भी जानकारी नहीं मिल पाई और ये भी नहीं बताया गया कि कितने कट ऑफ के जो विद्यार्थी हैं वो इसमें भाग लेंगे। तो फिलहाल केवल इतना लिखा है इस नोटिस में कि जो PET की जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है वो सभी विद्यार्थी इसमें के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये भी सूचित किया जाता है कि उक्त अध्यात्म के सापेक्ष आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हेतु विज्ञापन आयोग की वेबसाइट से
अलग से प्रकाशित किया जाएगा और प्रारंभिक अर्थात परीक्षा 2021 में उपस्थित हुए अभ्यर्थीगण ही उक्त अधियात्र के सापेक्ष प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन में निर्धारित अर्हताएं धारित करने पर आवेदन कर सकेंगे। तो पीटी में जो भी विद्यार्थी जिन्होंने भाग लिया उसमें भाग लेंगे। कटऑफ के बारे में हो सकता है कि बाद में जानकारी दें जब आवेदन विद्यार्थी कर लेंगे। हालांकि नोटिस के इंतजार करते हैं, हो सकता है कि नोटिफिकेशन में ही जानकारी दे दी जाए। और आज की ही डेट में एक और नोटिस जारी कर दी गई है। ये देखिए, मैंने आप लोगों से बताया भी था कि UP SSC अब धीरे धीरे गति पकड़ रहा है, लगातार कोई ना कोई नोटिस जारी हो रही है। अभी हाल ही में होम्योपैथी वाला जो परिणाम है वो जारी हुआ है। पिछले महीने लोअर मेंस इत्यादि की परीक्षाएं भी हैं, साक्षात्कार भी हुए हैं, PET का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। और अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुप्रतीक्षित एक भर्ती थी कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके बारे में ये नोटिस है। 2016 की भर्ती है, 2016 का जो काम उस पर काम हो रहा तेज़ी से। और इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो परिणाम जारी हुआ था यहाँ पर 7 अक्टूबर, ये देखिए, विज्ञापन संख्या 25 परीक्षा 2016 कंप्यूटर ऑपरेटर प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत 6 विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कंप्यूटर ऑपरेटर के 79 रिक्त पदों पर चयन हेतु द्वितीय चरण की टंकण परीक्षा में सफल 134 अभ्यर्थियों का परिणाम लिखा हुआ जो जारी हुआ था 7 अक्टूबर, इसके संदर्भ ग्रहण करें। और एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर पद हेतु उक्त अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम आयोग कार्यालय में 7 दिसंबर को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है इन अभ्यर्थियों का। तो एक ये भी जो काम है ये होने वाला है विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जहां पर UP SSC से लगभग एक महीने में एक नोटिस आया करती थी, 20 दिनों बाद एक नोटिस आती है, और आजकल वहीं पर लगभग हर सप्ताह एक नोटिस या दो नोटिस प्रति सप्ताह जारी हो रही हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें ये जानकारी दी थी कि जो पुरानी परीक्षाएं हैं वो विद्यार्थियों की दिसंबर के महीने से शुरू हो सकती हैं, और UP SSC जो है दिसंबर जनवरी फरवरी में लगातार परीक्षाएं करवाएगा, ऐसी जानकारी निकल करके आ रही है, अगर चुनाव की आचार संहिता परीक्षाओं को प्रभावित नहीं करती है। और आचार संहिता से बचने के लिए ही UP SSC बहुत जल्दी एक परीक्षा कैलेंडर भी जारी करने वाला है। आचार संहिता के बाद में नई भर्तियों के नोटिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, भले ही प्रवीर कुमार चेयरमैन या अधिकारियों द्वारा कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन हाँ, जो प्रस्तावित परीक्षाएँ हैं वो जरूर हो सकती हैं। तो फिलहाल ठीक है, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। एक बात और बता दूं कि जिन छात्रों ने टारगेट विद PS परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो टारगेट विद PS परिहार ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। टारगेट विद PS परिहार में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई है, और उसमें जो पुराने प्रश्न पत्र हैं किसी भी परीक्षा के, उसके सॉल्व पेपर अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे। और उस ऐप में बिल्कुल पूरी तरीके से निःशुल्क करंट अफेयर डेली अपडेट किया जाता है, और डेली न्यूज़ भी उसमें उपलब्ध रहती है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।